विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ था? उत्तर लिखो, छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 1937 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न अगला, शुक्ल की प्रथम कविता संग्रह कौन है? शुक्ल की प्रथम कविता संग्रह कौन है? शुक्ल की प्रथम कविता संग्रह कौन है? उत्तर लिखिए, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। प्रश्न अगला, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। कौमा देके खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। कौमा देके पेड़ पर कमरा। कौमा देके महाविद्यालय। किसकी रचना है? किसकी रचना है? उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न अगला, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर किसके द्वारा फिल्माया गया है? पर किसके द्वारा फिल्म फिल्माया गया है? लिखो, किसके द्वारा फिल्म फिल्माया गया है? उत्तर होगा मरी कॉल द्वारा। मरी कॉल। प्रश्न अगला, मछली कहानी कहां से ली गई है? मछली कहानी कहां से ली गई है? मछली कहानी कहां से ली गई है? उत्तर होगा महाविद्यालय से। प्रश्न अगला, मछली कहानी कैसी कहानी है? मछली कहानी कैसी कहानी है? मछली कहानी कैसी कहानी है? उत्तर लिखो, संवेदनापूर्ण। 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 प्रश्न अगला, मछली कहानी से। मछली कहानी से किसका मनोभाव व्यक्त किया गया है? किसका मनोभाव व्यक्त किया गया है? उत्तर होगा लोगों के मनोभाव।
लोगों के मनोभाव। प्रश्न अगला, मछली कहानी क्या उद्घाटित करती है? मछली कहानी क्या उद्घाटित करती है? मछली कहानी क्या उद्घाटित करती है? उत्तर लिखिए, लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव। प्रश्न अगला लिखो, झोले में मछलियां लेकर, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में, बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? क्यों घुस गए? उत्तर लिखो, बच्चे मछलियां लेकर बच्चे मछलियां लेकर पतली गली में इसलिए घुस गए, पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उसी गली से उनका घर, क्योंकि उसी गली से उनका घर नजदीक था, नजदीक था। और बाजार के कारण रास्ते में, और बाजार के कारण रास्ते में भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ थी। प्रश्न अगला लिखो, मछलियों को लेकर बच्चों की, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा, क्या अभिलाषा थी? क्या अभिलाषा थी? उत्तर लिखिए, मछलियों को लेकर, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में, बच्चों के मन में ऐसी अभिलाषा थी, ऐसी अभिलाषा थी कि बाबूजी से एक मछली मांग कर, कि बाबूजी से एक मछली मांग कर, एक मछली मांग कर कुएं में डाल देंगे, कुएं में डाल देंगे, जब वह बड़ी हो जाएगी, जब वह बड़ी हो जाएगी तो बाल्टी से निकाल कर, तो बाल्टी से निकाल कर उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ खेलेंगे और फिर, और फिर उसे कुएं में डाल देंगे, उसे कुएं में डाल देंगे, डाल देंगे। प्रश्न अगला लिखो, मछलियां लिए घर आने के बाद,
मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? उत्तर लिखो। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में जाकर अंदर से बंद कर दिया। आधी बाल्टी पानी में तीनों मछलियों को डाल दिया। इसके बाद गीले कपड़े को निचोड़कर बाल्टी को घेर कर दोनों भाई बैठ गए। लास्ट एक और क्वेश्चन लिख लो। लास्ट लिखो, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? उत्तर लिखिए, दीदी कमरे में लेटी थी। दीदी कमरे में लेटी थी। पहनी हुई साड़ी से सिर को ढके करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी।